आज 12 बजे वीडियो नहीं बनाते, आज दोपहर मतलब शाम के टाइम भी वीडियो बनाते। अभी क्या टाइम हुआ है 6:30 एंड नाउ आई एम शूटिंग दिस वीडियो कुछ मेरी किताब से का अगला एपिसोड जो शायद मुझे नहीं पता कैसा होगा, तो वो बताओगे मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके कि ये वाला एपिसोड कैसा रहा और पिछले वाले एपिसोड कैसे रहे। बाय द वे पिछले वाले एपिसोड पे आपने बहुत अच्छे रिस्पॉन्स शो किया, लाइक 1000 व्यूज़ क्रॉस हुए एंड एक पे शायद 2000 व्यूज़ क्रॉस हुए हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर लविंग माई वीडियोज़ लाइक दिस। एंड ये वाला कैसा रहेगा एंड आप लोग शेयर करोगे नहीं करोगे कमेंट्स में बताओगे या लाइक डिसलाइक क्या भी करोगे तो मुझे करके ज़रूर बताना है, ठीक है। मैं ये नहीं बोला आप लाइक करो, मैं नहीं बोला आप डिसलाइक करो, जो आपके मन में जैसा आपको फील हो ऐसा करो, ठीक है। सो विद दैट लेट्स जस्ट स्टार्ट द नेदर एपिसोड ऑफ कुछ मेरी किताब से। वैसे मैंने काफ़ी दिनों से इंस्टाग्राम पे कुछ लिखा नहीं है, मतलब स्टोरीज में मैं जैसे डालता था ना इंस्टाग्राम पे इस तरह की मैं स्टोरीज वहाँ पे इंस्टाग्राम पे डालता हूँ, जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उनको पता है। तो मैंने काफ़ी दिनों से कुछ लिखा नहीं, लेकिन कुछ है जो मुझे शेयर करना है, बहुत अच्छी अच्छी लाइन्स है, तो वो सुनो कुछ इस तरह से है। है खबर तुम्हें मगर इलाज तो कीजिए, है खबर तुम्हें मगर इलाज तो कीजिए, हम बीमार हैं चलो जाने दो अपना इलाज तो कीजिए। है खबर तुम्हें मगर इलाज तो कीजिए, हम बीमार हैं चलो जाने दो, हम बीमार हैं चलो जाने दो अपना इलाज तो कीजिए। कहने को मन बहुत करता है, कहने को मन बहुत करता है आज भी पुरानी बातें तुम्हें, कहने को मन बहुत करता है आज भी पुरानी बातें तुम्हें। तुम मंजिलों में उलझे रहते हो, तुम मंजिलों में उलझे रहते हो, हम रास्तों के फ़कीर हैं हमें तो आगे जाने दीजिए। कहने को मन बहुत करता है आज भी पुरानी बातें तुम्हें, कहने को मन बहुत करता है आज भी पुरानी बातें तुम्हें। तुम मंजिलों में उलझे रहते हो, तुम मंजिलों में उलझे रहते हो, हम तो फ़कीर है जनाब हमें तो आगे जाने दीजिए। मतलब कुछ लोग होते हैं ना जिनकी लाइक रास्ता कुछ डिफाइन नहीं होता, वो हमारी कहानी के एक सफ़र में आ जाते हैं ऐसे बिना बताए, बिना चाहे आ जाते हैं एंड हमें उनसे लगाव हो जाता है, प्यार हो जाता है, मोहब्बत हो जाती है। और फिर कुछ टाइम बाद उनका सफ़र अलग, हमारा सफ़र अलग। मतलब उनको पता थी कि मेरी मंजिल क्या है, ये चीज़ें नहीं पॉसिबल हो सकती, मैं रिलेशनशिप में नहीं रह सकता या रह सकती, लेकिन फिर भी वो लोग कुछ पल के लिए कुछ टाइम के लिए रुकते हैं एंड फिर चले जाते हैं। तो इसलिए लिखा था मैंने कि तुम मंजिलों में उलझे रहते हो, तुम मंजिलों में उलझे रहते हो, तुम्हें मंजिलें पसंद है, हम तो रास्तों के फ़कीर हैं जनाब हमें तो आगे जाने दीजिए। तो ये कुछ इस तरह से थी। तो ये जो कुछ लाइनें मैं अभी सुनाने वाला हूँ, उन्हें बहुत गहरी लाइनें हैं एंड बहुत प्यारी लाइनें हैं, जब आप सुनोगे तो महसूस करना, थोड़ा सा महसूस करना इसको, ठीक है। मन परेशान क्यों है ये चल रहा, मैं इसको फ्लो में गाता हूँ, ठीक है, आप कैच करना। मन परेशान क्यों है, चल रहा तूफान क्यों है, तुम सही थे तुम सही हो फिर मुझ पर भी इल्ज़ाम क्यों है। मन परेशान क्यों है, चल रहा तूफान क्यों है, तुम सही थे तुम सही हो फिर मुझ पर भी इल्ज़ाम क्यों है। जो भी हुआ तुमने किया ये शायर बदनाम क्यों है, ना मंजिलें थी ना रास्ते थे इत्तफाक से हुए हम नीलाम क्यों है। जो भी हुआ तुमने किया ये शायर बदनाम क्यों है, ना मंजिलें थी ना रास्ते थे इत्तफाक से हुए हम नीलाम क्यों है। तुम सही थे तुम सही हो फिर मुझ पर भी इल्ज़ाम क्यों है। होता है ना, मतलब कुछ सिचुएशंस ऐसी बन जाती है, कुछ रिश्ते कुछ कहानी में ऐसे लोग मिल जाते हैं, लोग लाइक वो गलती नहीं मानते कि मैं सही हूँ, ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, मैं जो हुआ इत्तफाक था, जो टाइम के रहते रहते सब कुछ हो गया, टाइम के रहते रहते सब कुछ फिर से ठीक हो जाएगा, कुछ लोग ऐसा मानते हैं। तो उसी पे लिखा था कि तुम सही थे तुम सही हो, फिर लास्ट में लाइन लिखी फिर तो जो चला जाता है वो फिर थोड़े से नफरत करने लगते हैं कि नहीं यार ये बंदा मुझे समझता नहीं, मतलब ठीक है एक टाइम पे हम लोग एक साथ रहे लेकिन अब फिलहाल कुछ नहीं है, तो वो समझता है कि थोड़ा सा नफरत भाव आ ही जाता है। तो उस वक्त में लिखा था मैंने कि चलो तुम सही थे तुम सही हो लेकिन फिर मुझ पर भी इल्ज़ाम क्यों है, मतलब ये तो नहीं, मुझे भी नहीं पता था ना मेरी सफ़र में मेरी कहानी में तुम्हारा किस्सा तुम्हारा पन्ना तुम्हारी कहानी कब आ जाएगी और कब चली जाएगी। तो इसलिए लिखा था कि तुम सही थे तुम सही हो और मुझ पर भी इल्ज़ाम क्यों है। आई होप यू लाइक दिस। इस पर मैं पूरी पोइट्री बनाने वाला हूँ, ये मैंने थोड़ा सा लिखा था बस। तो बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं आप लोग मतलब मैं इस तरह से क्यों लिखता हूँ, जैसे मैंने अपनी पिछली शायरी आपको सुनाई, थोड़ा टूटा था, थोड़ा गहरा था एंड थोड़ा डीप था वो, मतलब लाइक ऐसा ब्रेकअप टाइप पे। तो एक मैंने थोड़ी मोटिवेशनल सी लिखी थी, 4 लाइनें बहुत प्यारी लाइनें हैं, तो शायद आपको बहुत पसंद आए। तो ये लिखा, वक्त भी संभल जाएगा, वक्त भी संभल जाएगा, बंदे तू भी बदल जाएगा, हिसाब सबका रखता है वो खुदा, हिसाब सबका रखता है वो खुदा, वक्त उसका भी आएगा। वक्त भी संभल जाएगा, बंदे तू भी बदल जाएगा,
हिसाब सबका रखता है वो खुदा, वक्त उसका भी आएगा। तो ये मैंने लिखा था एंड ये बहुत सारे लोगों ने अपनी इंस्टा स्टोरीज पे शेयर किया था। सो बहुत सारा प्यार करते हो आप लोग यार इन लाइनों से, इन शायरियों से। मैं तो बस लिख देता हूँ, मुझे भी नहीं पता मेरी कौन सी शायरी आप लोगों को अच्छी लगे, आपके दिल तक पहुँचे। तो बस हमारा काम लिखना है, आप लोगों का काम है उसको फील करना, उसको शेयर करना, हमें थोड़ा सा सपोर्ट करना, बस यही हम लोग चाहते हैं। सो वक्त भी संभल जाएगा बंदे, तू भी बदल जाएगा। हिसाब सबका रखता है वो खुदा, वक्त उसका भी आएगा। तो एक शेर लिखा था जो मैं शायद पिछले पहले ब्लॉग्स में आपको सुना चुका हूँ, तो लेकिन बहुत अच्छा है तो मैं इसको दोबारा सुनाता हूँ आज इस वाले एपिसोड में, कि काश बदलना हमें भी आता, काश बदलना हमें भी आता, ये शायरी वायरी लिखना हम भी छोड़ देते, कि काश बदलना हमें भी आता, ये शायरी वायरी लिखना हम भी छोड़ देते। इस बारिश से बचना था मुझे, इस बारिश से बचना था मुझे, ये बारिश मेरी नहीं थी। होश कहाँ रहा उस वक्त, लेकिन होश कहाँ रहा उस वक्त जब सामने तुम खड़े थे और आंखें तुमने भी झुकाई थी। इस बारिश से मुझे बचना था, ये बारिश मेरी नहीं थी। होश कहाँ रहा उस वक्त जब सामने तुम खड़े थे और आंखें तुमने भी झुकाई थी। मैं बेकार में ही भीग गया, मैं बेकार में ही भीग गया। हाँ थोड़े से तुम भी भीगे थे, मैं बेकार में ही भीग गया, लेकिन हाँ थोड़े से तुम भी भीगे थे, लेकिन फ़र्क है ना, मैं आज भी उन्हीं भीगे हुए कपड़ों में हूँ और तुमने कपड़े बदल लिए। ये बहुत गहरी लाइन है, अगर आपने फील करी हो, आपने इसका मतलब समझा हो तो आप दोबारा में सुनाता हूँ उसको, समझो कि इस बारिश से बचना था मुझे, ये बारिश मेरी नहीं थी। होश का इस बारिश से बचना था मुझे, बारिश मेरी नहीं थी, लेकिन होश कहाँ रहा जब सामने तुम खड़े थे और आंखें तुमने भी झुकाई थी। मैं बेकार में ही भीग गया, मैं बेकार में ही भीग गया। हाँ थोड़े तुम भी भीगे थे, मैं बेकार में ही भीग गया, लेकिन हाँ थोड़े तुम भी भीगे थे, लेकिन फ़र्क तो है ना कि मैं आज भी उन्हीं भीगे हुए कपड़ों में हूँ और तुमने कपड़े बदल लिए। मतलब कैसे समझाऊँ कि अच्छा इस वाली जो मैंने लास्ट में एक छोटा सा कुछ, अच्छा ये जो लास्ट में मैंने सुनाया ना कुछ लाइनें, 8 लाइनें, इनका मतलब आप लोग बताओगे मुझे कमेंट सेक्शन में, अगर आप लोगों को समझ में आया होगा तो, ये जो भी समझ में आया होगा, और मैं रिप्लाई करूँगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो गाइज विद डैट आज का ये एपिसोड मैं यहीं पर रखता हूँ, एंड अगर आपको पसंद आएगा तो आपको पता है क्या करना है। एंड दिस इज़ शेखर गाइज, अगर आप लोग मुझे पहली बार देख रहे हो तो मेरा चैनल है शेखर फॉर्म सर्कल, वो मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है, मतलब पहले वो आया था उसके बाद ये वाला चैनल है। अगर आपको चेक करना है तो आप एंड स्क्रीन में जाके देख लेना या फिर मेरे डिस्क्रिप्शन चेक कर लो, दैट इज़ माई मेन चैनल। सो विद डैट गाइज आज की इस वीडियो को, आज के इस सफ़र को मैं यहीं पर रखता हूँ। सो अपना ख्याल रखना, मुस्कुराते रहना, एंड बाय बाय, टेक केयर। एंड हाँ यार शेयर कर देना यार, प्लीज़, आई रियली नीड योर सपोर्ट। सो विद डैट गाइज बाय।